से जानिब खबर आपको दे, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अजलास हंगामा आरई का शिकार हो चुका है। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अजलास हंगामा आरई का शिकार, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जारी है। स्पीकर राव शहाबुद्दीन की ज़ेरे सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ये 20वां इजलास इस वक्त जारी है। मॉल रोड की असल हालत में बहाली, तारीखी इमारतों की ताज़ीनो आरायश और दीगर एजेंडे में शामिल थे, लेकिन इजलास हंगामा राय की नज़र हो गया। तफसीला जान लेते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? अजीम राना, बिल्कुल, चूँकि लाइव इजलास हमने देखा है और फिर आज मछली मंडी का इजलास जो है वो नज़ारा पेश करता रहा है। ये 20वां इजलास था जिसमें आवाम के जो मसाइल हैं जूँ के तू हैं, मगर इनकी आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, जो नारेबाजी हैं, वही चलती रही हैं और वही मंजर पेश करती रही हैं। और जो आज मियां मोहम्मद तारिक साहब ने यहाँ पे तकरीर की कि आज हमारी जो पार्टी है वो यकसा है, यहाँ पर बिल्कुल एक है और कोई भी बंदा जो है वो तरीके इंसाफ में नहीं गया, जबकि तरीके इंसाफ में जो 5 लीगी नून लीग के चेयरमैन गए हैं उनके हवाले से नारेबाजी हुई है यहाँ पर, और नून लीग की तरफ से, और इस हवाले से आफीफ सिद्दीकी साहब ने भी जब यहाँ पर खड़े होकर तकरीर की तो उनको उनकी तकरीर को सुना भी गया है, मगर आज वैसा जोश जज्बा नून लीग लोगों में नहीं पाया गया उनकी तकरीर के वक्त जो पिछले जलासों में देखा गया है। इसी तरह मियाँ मोहम्मद तारिक साहब की जो तकरीर हुई यहाँ पर उसके ऊपर भी काफ़ी हंगामा रही हुई कि यहाँ पर आफीफ सिद्दीकी साहब का ये कहना था कि सैफुल मुल्क होकर को 62 लाख रुपया कैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट असम्बली से भेजा गया। इस वाले से हफीफ सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, यहाँ पर राशिद खोकर साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले हफीफ सिद्दीकी साहब से बात करेंगे। हफीफ साहब, क्या कहना चाहते हैं आपके साथ? आप तो कह रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे काफ़ी चेयरमैन जो है 4 सितंबर को आएंगे, वो सारे दावे ही थे। देखिए, हमारा मकसद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना नहीं है, आपके सामने है कि तमाम 50 चेयरमैन किधर हैं जो आप कह रहे थे हमारे साथ हैं? ये 150 से भी ज़्यादा हैं। कहाँ पे हैं आप? तो सिर्फ दावा कर रहे हैं। मोहतरम, इस वक्त हमारा कभी भी ये टारगेट नहीं रहा कि हम फ्लोर क्रॉसिंग करवाएं किसी को। राशिद साहब ये एक साथ खड़े हैं, ये इलेक्शन से पहले जो दोस्त आए थे हमने उनको अपने साथ बिठाया हुआ है, नए आदमी को अभी हम इन्वाइट नहीं कर रहे। हम इस सिस्टम को डिसॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारे वज़ीर बल्दियात साहब ने कहा है, और नए इलेक्शन आएंगे। ये देखें, वो नून के हमारे दोस्त हैं जो कह रहे हैं मेरे साथ हैं सारे। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी बात मैं आपसे करता हूँ कि यहाँ पे मियाँ मोहम्मद तारिक साहब क्या कहते हैं इस वाले से बात करें। एक तो आपने ये बात बड़ी गलत किया कि आज वो जोश नहीं था, जोश उससे बढ़कर था, और जिस बात की ये निशानदेही कर रहे हैं वो एमपीए नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो अभी ये दुरुस्त हो जाएगी, ये क्लैरिकल मिस्टेक है, हमने फंड दे नहीं दिया, क्लैरिकल मिस्टेक है। इस वाले से बॉबी साहब आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि एमपी का क्या काम है जो उसको फंड देना, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये वो तो एमपी उसको देना, किसी को 20 लाख, किसी को 30 लाख, कोई ये सब बंदर बांट है, हम इसको मारते हैं, इसको ये करते हैं। अनवर बॉबी साहब की आपने बात सुनी कि बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।